नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मच अवेटेड फिल्म एनिमल सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। रणवीर कपूर की इस मूवी में जो स्टार्टिंग ये जरा यूं होती है कि रणवीर कपूर जो है वो शुरू से ही अपने पापा के प्यार के लिए तरसते रहते हैं, और वो उनकी जो लाइफ की जो फर्स्ट और लास्ट प्रेफरेंस भी उनके पापा ही होते हैं। और वो जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, तो उस माहौल में कभी भी उन्हें बुरे बुरे और भले का फर्क नहीं महसूस होता। और ऐसे माहौल में वो बड़े होते हैं कि उन्हें जो भी चीज़ चाहिए, उनकी जो फितरत होती है कि वो भाई किसी भी चीज़ के पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह जो उनकी जो स्टार्टिंग जो लाइफ स्टोरी है वो ऐसे ही होती है। और इसके दौरान उनके जो दोस्त होती है, उनकी जो बहन, उसकी एंट्री होती है जिसका नाम गीतांजलि होता है, जो कि रश्मिका मंदना गीतांजलि का पार्ट प्ले कर रही होती है। तो रश्मिका मंदना को जब एंट्री में वो फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो उन्हें प्यार हो जाता है और फिर उन्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा होता है, रश्मिका के प्यार में वो इतने पागल से हो जाते हैं कि रश्मिका मंदना की इंगेजमेंट तक तोड़वा देता है। तो इस तरीके से वो गीतांजलि को हासिल कर लेता है। गीतांजलि को हासिल करने के बाद क्या होता है कि भाई उसकी फिर भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो उसके पापा ही होती है। और ये सारा सीन जो इंटरवल के पहले का है, और इसके दौरान काफ़ी सारे जो एक्शन सीन भी रणवीर कपूर के हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो बॉबी देओल है, उसकी एंट्रीज देखने के लिए सारी ऑडियंस बेताब सी हो जाती है। और इसके अलावा इस मूवी में बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स है, और सबसे ज़्यादा जो टर्न्स आता है जब इस मूवी का जो अनिल कपूर को जब गोली लगती है इंटरवल के बाद, उसके बाद जो है सारी जो मूवी का जो बैकग्राउंड है, थीम है, वो चेंज हो जाता है और ये मूवी एक कन्वर्ट होते हो जाती है एक सबसे बड़े रिवेंज में। तो इसी तरीके से ये जो पार्ट है ये इंटरवल के पहले का है, और इंटरवल के बाद ये सारी जो मूवी है वो एक रिवेंज में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।